दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों चिकित्सा विभाग राजस्थान जो भर्तियां निकाली गई हैं उसमें लगातार जो भर्तियों को लेकर के अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। सभी भर्तियों के अभ्यर्थी लगभग हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इसकी वजह है कुछ तो भर्तियों में रूल्स या नियम इस तरीके के रख दिए जाते हैं और कुछ यहाँ पर चिकित्सा विभाग खुद लापरवाह है, खुद बेलगाम है, नकाम विभाग है, नकारा विभाग है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। एक और भर्ती को लेकर के भी यहाँ पर मामला हाईकोर्ट गया था और अब हाईकोर्ट ने उनको फॉर्म भरने के निर्देश दिए हैं। ये पेचीदगियाँ, ये लूपहोल्स इन भर्तियों में जानबूझ करके छोड़े जाते हैं और जिन भी अभ्यर्थियों के साथ उन्हें लगता है कि अन्याय हो रहा है तो वो लोग हाईकोर्ट पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी तरीका हो, सिर्फ भर्तियों में फॉर्म भरने और नौकरियां लगने की चाह हर एक व्यक्ति रखता है, चाहे उसने गलत यूनिवर्सिटी से या गलत जगह से डिग्री या डिप्लोमे किया हो, लेकिन शासन में आकर के हाईकोर्ट में पहुंच करके बताने की कोशिश की जाती है कि हाँ कहीं ना कहीं मैं सही हूं। और इसी तरीके से ये जो भर्तियां हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की भर्तियों को आप ले लीजिए, कोई ना कोई कारण को लेकर के भर्तियों को बेवजह अटकाने का भी काम ऐसे किया जाता है। तो पूरा अपडेट क्या है उस पर बात कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, पूरी खबर क्या है सबसे पहले देखिए। निजी विश्वविद्यालय से DMLT और रेडियोग्राफर कोर्स पास करने वाले के आवेदन स्वीकार करने के आदेश। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, निजी विश्वविद्यालय से यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनसे जो DMLT पास आउट हैं और रेडियोग्राफी में जिन्होंने कोर्स कर रखा है उनके फॉर्म स्वीकार करने का निर्देश माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए हैं। पूरी खबर क्या है ये आप लोग देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने रेडियोग्राफर भर्ती 2022 में उन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने निजी विश्वविद्यालय से DMLT यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर कोर्स पास किया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और पैरामेडिकल जो बोर्ड है RPM से उससे भी जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने आदेश नितेश चौधरी और अन्य की याचिकाओं पर दिया गया है। दोस्तों जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से DMLT और रेडियोग्राफी का कोर्स पास किया है उनके फॉर्म भरने के स्वीकार करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं और नितेश चौधरी और अन्य लोगों ने याचिका लगाई थी और इसमें बताया गया है कि राम प्रताप सैनी जो इनके अधिवक्ता थे कि याचिकाकर्ताओं ने निजी विश्वविद्यालय से DMLT रेडियोग्राफर सहित लैब टेक्नीशियन का कोर्स पास किया है, वही निजी विश्वविद्यालय को यह कोर्स संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। पूरा मामला क्या है ये है कि निजी विश्वविद्यालयों से कोर्स किया है लेकिन जो निजी विश्वविद्यालय थे उनको ये कोर्स संचालित करने की राज्य सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते मेडिकल बोर्ड ने उनका जो पंजीकरण है वो यहाँ पर इनकार कर दिया है। बिना पंजीकरण भर्ती एजेंसी उनके आवेदन स्वीकार नहीं कर पा रही है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने कानून के जरिए बनी विश्वविद्यालय से कोर्स किया है, ऐसे में उन्हें भर्ती में शामिल किया जाए और एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए। तो ये बड़ी बात ये है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें देखिए राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी। पहली बात तो जो निजी विश्वविद्यालय होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनको मान्यता कौन देता है? राज्य सरकार देती है। किस तरीके से देती है कि जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आप लोग खोलना चाह रहे हैं किसी भी नेम से, तो आपके नाम का एक विधेयक बनेगा, वो विधानसभा में जाएगा। विधानसभा में आपकी यूनिवर्सिटी किस तरीके की होगी, क्या क्या कोर्स होंगे, सारी चीज़ों पर चर्चा की जाती है। फिर जो विधानसभा है यानी कि सरकार है वो उस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, खोलने के लिए जो है कानून पास करती है, नियम बनाती है और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी स्थापित हो जाती है। तो राज्य सरकार ने जिस भी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर मान्यता दी, नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार ने DMLT और ये रेडियोग्राफी कोर्स कराने की परमिशंस नहीं दी, लेकिन इन बच्चों ने कोर्स किया, यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर से ये चीज़ें की। और अब जब यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर से चीज़ें की तो RPMC की जो गाइडलाइन है उनमें ये यूनिवर्सिटीज नहीं थी कि भाई इनके डिग्री डिप्लोमों के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो ये पूरा मामला है, यानी कि कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी कुछ कोर्सेज है अपने स्तर से करा लेती हैं, फिर उनको राज्य सरकार या संबंधित जो बोर्ड हैं, एजेंसीज हैं, वो नहीं मानती हैं। नतीजा नुकसान उन अभ्यर्थियों को होता है जो इनसे डिग्री या डिप्लोमे करते हैं। तो ये जानकारी है साथियों, इसमें
जो है याचिका अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए गए हैं। आज के दैनिक नवज्योति की जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जयपुर संस्करण की 9 मार्च 2023। तो ये आप लोग जानकारी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब इन भर्तियों में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। पिछले दिनों लैब टेक्नीशियंस इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, अभी हाई कोर्ट का निर्णय, और अब जब तक इन भर्तियों के अगली जो प्रोसेस शुरू नहीं होगी उससे पहले इस तरीके की चीज़ें मिलती रही, क्योंकि अभ्यर्थियों को टाइम मिल जाता है भर्तियों को कोर्ट कचहरी में उलझाने के लिए। मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि जो ये जो निर्णय आया है इसके मैं खिलाफ हूँ, लेकिन एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि टाइम जब मिलता है बच्चों को तो वो इस तरीके की चीज़ें निकलती हैं और पैसा भी बहुत लगता है इनमें। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आज एक दो वीडियोज आप लोग को और मिलने वाले हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।